स्वागत है आपका हमारे चैनल काउंसलिंग जंक्शन में। आज के इस वीडियो में मैं आपको एमएमयू अम्बाला महर्षि मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी अम्बाला का कैंपस टूर करवाने वाला हूं। कैंपस लाइफ, हॉस्टल, कोर्सेस, प्लेसमेंट सारा कुछ एक्सप्लेन करने वाला हूं। साथ ही साथ इस वीडियो में मैं आपको जो बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से कौन कौन से कोर्सेस में एडमिशन लिया जा रहा है और कितनी फी है उसको स्पेशली फोकस करते हुए मैं स्पेशली फोकस करूंगा। ये आप देख सकते हैं जो 23 से 24 में एडमिशन के लिए बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए ये स्पेशल पैकेज बनाया गया है यूनिवर्सिटी की तरफ से। कौन कौन सा कोर्सेस है जिसमें आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू ले सकते हैं एडमिशन। क्रेडिट कार्ड के थ्रू पता ही होगा आपको कि जो भी बिहार में तो सारे कॉलेजेस को मिल रहा है। यदि आप बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के थ्रू एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको पता ही होगा कि बिहार से बाहर बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड उन्हीं कॉलेज को मिलता है जो नैक ए ग्रेड मिनिमम या एनबीए क्रेडिटेड या एनआईआरएफ रैंकिंग में। तो ये कॉलेज नैक ए प्लस प्लस ग्रेडिंग का यूनिवर्सिटी है। ये आप देख सकते हैं कि कंप्यूटर साइंस जो है बीटेक इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का 6,80,000 का पैकेज है जिसमें आपको 20,000 रुपये पहले जो डॉक्यूमेंट चाहिए होता है क्रेडिट कार्ड के लिए बोनाफाइड और फी स्ट्रक्चर उसके लिए आपको 20,000 रुपये का पेमेंट पहले करना पड़ेगा। फिर 15,000 रुपये फर्स्ट ईयर का जो फर्स्ट सेमेस्टर का जो ड्यू फी है आप जब कैंपस में रिपोर्टिंग करेंगे जुलाई के वक्त तब आपको देना पड़ेगा। मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी इन्होंने कुछ फिक्स किया है कि इन कोर्सेज के लिए जो 12th में मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो कितना है। तो 60% आपका है तभी आपको बीटेक इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में एडमिशन होगा। अब जानते ही होंगे आप मैक्सिमम जो क्रेडिट कार्ड के थ्रू आप मैक्सिमम 4 लाख ले सकते हैं और यहाँ पे जो फीस लग रहा है 4 साल का ये 6,80,000 लग रहा है। तो आपको 4 लाख तो क्रेडिट कार्ड के आपका चला चला जाएगा बाकी जो 2,80,000 ड्यू आपका रह गया ये आपको बीटेक में 8 सेमेस्टर होता है तो आपको 8 पार्ट में डिवाइड करके 35,000 35,000 आपको पर सेमेस्टर देने होंगे। ठीक है। अब यदि आप बीटेक में अदर ब्रांचेस भी होता है इंजीनियरिंग में जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी जो बायोटेक इंजीनियरिंग है ठीक है ना, उसके बाद देखेंगे तो ये सब का जो पैकेज है ये 5,25,000 है। इसमें भी वही बात होगी 4 लाख रुपये क्रेडिट कार्ड से फिर आपको जो है ये जो 1,25,000 बच गया उसको 8 पार्ट में डिवाइड करके आपको देना पड़ेगा। ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि कौन सा कोर्सेस के लिए कितना कितना पेमेंट आपको बोनाफाइड के लिए चाहिए और कितना पेमेंट जब कैंपस में रिपोर्ट करेंगे तब आपको देना पड़ेगा। आप बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग लेटरल इंट्री आप डिप्लोमा कहीं से किए होंगे आप चाहेंगे कि लेटरल इंट्री के थ्रू इंजीनियरिंग करना तो भी आप कर सकते हैं। उसके बाद बीबीए बीसीए बीकॉम का 4,10,000 का पैकेज है जिसमें आपको 5,000 रुपये पहले बोनाफाइड के समय देना पड़ेगा और 5,000 रुपये कैंपस में रिपोर्ट करने के देना पड़ेगा। उसके अलावा आपको कोई फीस नहीं देना पड़ेगा। जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है 55% है, बीएससी प्रोग्राम एंड डेटा साइंसेस है ठीक है ना, जर्नलिज्म है, मास कम्युनिकेशन है, बीएससी हॉस्पिटलिटी एंड होटल एडमिनिस्ट्रेशन है, उसके बाद बीबीए एलएलबी बीकॉम एलएलबी, उसके बाद जो है होटल मैनेजमेंट है, बीएससी एग्रीकल्चर है, बीपीटी है, बीओसी बायोटेक्नोलॉजी है, एमबीए है, एमसीए है। इन कोर्सेस में आप बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से आप चाहेंगे तो एमएमयू में एडमिशन ले सकते हैं। यदि आप एडमिशन के लिए इंटरेस्टेड हो या कोई भी डाउट हो आप एडमिशन लेना चाहते हैं एमएमयू में या एमएमयू के बारे में आपको किसी टाइप से कुछ भी जानकारी चाहिए तो मैं अपना नंबर दे दूंगा। आप उस पर कॉल करके आप अपना एडमिशन ले सकते हैं, सीट बुक करवा सकते हैं, क्रेडिट कार्ड करवा सकते हैं। क्रेडिट कार्ड का जो सारा प्रोसेस है ये हम लोग करवा देंगे अपने थ्रू। क्रेडिट कार्ड का क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए उसके लिए भी आप फोन करके जान सकते हैं क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड कुछ भी हो ठीक है। तो यहाँ पे एडमिशन के लिए सबसे पहले जो क्या क्या रूल रेगुलेशन है ये आपको देखने होंगे क्या प्रोसेस है। तो 1,200 रुपये का सबसे पहले फॉर्म अप्लाई किया जाता है और वो नॉन रिफंडेबल होता है। जो 1,200 रुपये का फॉर्म है वो आपका यूनिवर्सिटी का, यदि आपको इनको ये इस यूनिवर्सिटी में किसी कोर्सेज में भी एडमिशन चाहिए तो आपको पहले 1,200 रुपये का फॉर्म डालना होगा। उसके बाद जो इन सारा कोर्सेज का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप देख ले कि किन कोर्सेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे एमबीए में 60% एंड अबव होना ही चाहिए। उसके बाद ऑनलाइन इंटरव्यू भी वीडियो कॉलिंग से आपका कंडक्ट होगा और देन आपको एडमिशन दिया जाएगा। तो यदि आप इस कॉलेज में इन सारे कोर्सेज में बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से जाना चाहते हो
तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो यहाँ पे, मतलब क्या क्या है, और इसके अलावा बहुत सारे कोर्सेस है यूनिवर्सिटी में जो पेड है, क्या क्या है, स्कॉलरशिप आपको मिलेगा परसेंटेज बेसिस पे, उस सब के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं। यदि इनको इस कॉलेज का प्लेसमेंट की बात करें तो 93% ओवरऑल प्लेसमेंट है, मीन्स 93% स्टूडेंट का यहाँ से प्लेसमेंट हो जाता है। जो लास्ट ईयर हाईएस्ट पैकेज गया है वो 42 लाख का गया है, बीटेक इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का। उसके बाद नैक ए प्लस प्लस ग्रेडिंग का यूनिवर्सिटी है, ये यूनिवर्सिटी इंडिया में जितने भी एकेडमिक इंस्टीट्यूशन है उसमें 3% में ये इंस्टीट्यूट आता है। यदि हम रैंकिंग की बात करें तो यूनिवर्सिटी में 91 रैंकिंग आता है टॉप 100 में। उसके बाद यहाँ पे लगभग जो है फार्मेसी में यदि हम इसकी रैंकिंग की बात करें तो 24th रैंक पे फार्मेसी में है। उसके बाद मेडिकल में बात करें तो 32 रैंक पे इंडिया में यूनिवर्सिटी। यदि कोर्सेज की बात करें तो मोर देन 125 प्लस यूजी एंड पीजी एंड डॉक्टरल प्रोग्राम ऑफर किए जाते हैं यूनिवर्सिटी से मेडिकल, इन सारे फील्डों में, मेडिकल, डेंटल, फार्मेसी, फिजियोथेरेपी, नर्सिंग, पैरामेडिकल, बायोटेक्नोलॉजी, साइंसेस, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, कॉमर्स, कंप्यूटर एप्लीकेशंस, होटल मैनेजमेंट, लॉ, एग्रीकल्चर, इन सारे फील्ड में 125 प्लस कोर्सेस ऑफर किए जाते हैं यूनिवर्सिटी के तरफ से। यहाँ पे अभी रिसेंटली कैंपस में 13,000 प्लस स्टूडेंट कैंपस में रह रहे हैं, 50,000 सक्सेस स्टोरी है। उसके बाद 5 मिलियन स्क्वायर फीट बिल्डअप एरिया है कैंपस में, यदि कंस्ट्रक्टेड एरिया की बात करें तो 5 मिलियन स्क्वायर फीट है। 50 कंट्री से स्टूडेंट आपको इस कैंपस में मिल जाएंगे। 1300 प्लस फैकल्टी मेंबर्स कैंपस में है। कुछ कोर्सेज यहाँ पे ऑनलाइन मोड में भी, बीबीए, बीसीए, बीकॉम ऑनर्स, एमसीए, मैथ एंड एमबीए कोर्सेस ऑनलाइन मोड में भी स्टार्ट किया गया है। तो इस यूनिवर्सिटी से रिलेटेड किसी, आप कैंपस टूर का वीडियो ही मैं आगे आप देखेंगे कैंपस टूर के बारे में, या इस यूनिवर्सिटी से रिलेटेड किसी टाइप का कोई डाउट रह गया हो, या बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के थ्रू आप एडमिशन लेना चाहते हो, तो इस नंबर पे जो नंबर दिया गया है उस नंबर पे आप कॉन्टेक्ट करें, आपका सारा हेल्प किया जाएगा। सारा आपका जो डॉक्यूमेंट्स है, प्रोसेस है, आप कर सकते हैं। मेरा पटना में ऑफिस भी है, आप चाहे तो आके मिल सकते हैं। थैंक यू।